हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मेकअप। माय नेम इज करिश्मा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, होली है, तो फिर आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। आई होप आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए, वीडियो को शेयर करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज मैं आपको मेकअप नहीं सिखाने वाली हूँ, मेकअप का नहीं होगा। आई होप आपको थंबनेल और टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों के इतने सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि कैसे मैंने अपना 29 kg वेट लॉस किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चाहे वो वेट लॉस हो, या फिर एक मेकअप आर्टिस्ट बनना हो, या फिर लाइफ में कोई भी काम करने से पहले स्टार्ट करना बहुत जरूरी होता है। वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, बिल्कुल भी आप इसको स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। आई होप आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगने वाली है ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, मेरा जो वेट था वो 88 to 89 हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, 88 अराउंड था मेरा वेट। और उसके बाद मेरा बेटा छोटा ही था उस टाइम, 6 month का था मेरा बेटा, और मेरा सी सेक्शन से हुआ था मेरा बेटा। तो क्या था कि बहुत ज़्यादा वेट हो गया था, और जब मेरा बेटा हुआ था तो मुझे वॉमिट बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से मुझे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो गई थी। अपेंडिक्स स्टार्टिंग थी बिल्कुल, उससे अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, डॉक्टर्स ने मुझे बताया था। उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि आप वेट लॉस कीजिए। वेट लॉस, मुझे सांस फूलने लगी थी, मैं बहुत परेशान रहती थी बहुत ज़्यादा, और मुझे समझ नहीं आता था मैं कैसे स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, मैं फूडी भी हूँ और बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगती है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बस कुछ खा लूँ। तो ऐसे लोग जो बहुत सारा, जो मेरे नेचर के होते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले मैंने देखा, बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने यूट्यूब पर, बहुत सारी वीडियोस देखी कि मुझे कैसे वेट लॉस करना है। बट वो उसमें से, तो मेरे साथ क्या होता था, मैं सोचती थी कि मैं कल से स्टार्ट करूंगी, मुझे डाइटिंग करनी है, कल से स्टार्ट करूंगी। मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती थी मैं कल से स्टार्ट करूंगी, जिम जाना शुरू कर दो, जिम जाओगे तो तुम्हारा वेट लॉस हो जाएगा। उसके बाद मैंने जिम स्टार्ट कर दिया। जिम स्टार्ट किया ही था कि मुझे उन्होंने डाइट चार्ट दे दिया कि आपको ये खाना है, उसके बाद आपका वेट लॉस होगा। और उन्होंने मुझे बहुत सारे, जो मेरी जिम ट्रेनर थी, उन्होंने मुझे बहुत सारे सप्लीमेंट वगैरह बताए कि ये ले लो, वो ले लो, उससे तुम्हारा कम हो जाएगा वेट। बट मुझे कुछ भी ऐसा नहीं खाना था, क्योंकि मुझे हेल्थ इश्यूज भी थे। तो मैं चाहती थी कि मैं नेचुरली जो है वेट लॉस करूं, अपना खुद अपनी मेहनत से करूं, और ये कुछ मुझे खाना नहीं है, मुझे कोई भी केमिकल या कुछ इस तरह से कुछ नहीं खाना है, मुझे बस अपना वेट लॉस करना है, अपनी मेहनत से करना है और अपने तरीके से करना है, मुझे ये कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाना है। मैंने उनको मना कर दिया कि मुझे हेल्थ इश्यू है, मैं नहीं खाऊंगी। उसके बाद क्या होता है, तभी लॉकडाउन लग जाता है, मेरा जिम जाना भी बंद। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कैसे वेट लॉस करना है। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस देखी, बहुत सारी, हर कोई यही बता रहा है सॉल्ट नहीं खाओ, मिर्च नहीं खाओ। ये मुझे कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं अगर मैं उबला हुआ खाती तो मुझे वॉमिट होती, और अगर मुझे वॉमिट होती तो मेरी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती, जो कि मुझे अपेंडिक्स हो गई थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर मैंने अपना एक डाइट चार्ट बनाया और मैंने अपने किचन में वो डाइट चार्ट लगा लिया। तो सबसे पहले खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेट लॉस करना है तो। कल से नहीं, आज से ही आपको डाइट स्टार्ट करनी होगी अपने हिसाब से, जिससे कि आप वेट लॉस कर सको। सबसे पहले मैंने मीठा खाना बिल्कुल छोड़ दिया था, बिल्कुल मैंने मीठा नहीं खाती थी मैं। मैंने चावल खाना भी बिल्कुल छोड़ दिया था, चावल की जगह मैंने ब्राउन राइस लेना शुरू कर दिया था। जब मेरा मन होता था तो मैं ब्राउन राइस खाती थी। मैं हमेशा जितना खाना खाती हूँ, स्टार्टिंग में मैंने, जब जैसे मैं एक प्लेट खाना खाती हूँ, एक प्लेट चावल खाती हूँ, तो मैंने हाफ क्वांटिटी कर दी थी। मैं जितना खाती थी उसका आधा खाने लग गई थी, पानी बहुत ज़्यादा पीने लग गई थी। उस मॉर्निंग ड्रिंक जो होती है वो लेमन वाटर से स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने लेमन वाटर स्टार्ट किया था। मैंने गर्म पानी, सुबह उठ के मैं सबसे पहले गर्म पानी पीना स्टार्ट किया। मैंने गर्म पानी में मैं हाफ लेमन को स्क्वीज करके उसको मिक्स करके तब मैं उसको पीती थी। मैंने 1 to 1.5 हफ्ते लेमन वाटर लिया, उसके बाद मैंने अपनी जो नॉर्मल जो ड्रिंक मैं मॉर्निंग में लेती थी, मॉर्निंग ड्रिंक को मैंने चेंज कर दिया था। मैंने फिर चिया शीट्स वाली ड्रिंक ली थी, चिया शीट्स लिए थे मॉर्निंग ड्रिंक में, लेमन वाटर के साथ चिया शीट्स मिक्स कर दिए थे। और कैसे बनाती थी मैं, वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप मुझे कॉमेंट करेंगे कि आप इंटरेस्टेड हैं अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो मैं आपको शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से ड्रिंक, मॉर्निंग ड्रिंक बनाती थी और किस तरह से मैं अपना
फूड प्रिपेयर करती थी, जो मुझे खाना होता था फैमिली के लिए अलग बनाना होता था मुझे और अपने लिए अलग देती थी। उसके बाद क्या रहता था, आधा घंटे बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती थी। ब्रेकफास्ट में क्या मैंने ब्रेड, जो कि आप ब्रेड नॉर्मल खाते हो उसकी जगह मैंने आटा ब्रेड लेना शुरू कर दिया था। आटा ब्रेड या फिर आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो। आटा ब्रेड मैं लेती थी, उसके सिर्फ टू ब्रेड्स के स्लाइस लेती थी, मतलब एक जो ब्रेड होता है उसके टू स्लाइस बनाती थी मैं ट्राइंगल शेप में, और उसके बाद बहुत सारी वेजिटेबल्स को बहुत फाइनली चॉप्ड करके, मतलब बहुत छोटा छोटा कट करके उसमें दही मिला लेती थी, कर्ड मिक्स करके वेजिटेबल्स में, और उसमें सॉल्ट डाल के या फिर चाट मसाला भी आप डाल सकते हो, उसको मिक्स करके मैं एक सैंडविच तैयार करती थी, वेजिटेबल सैंडविच जिसमें कर्ड भी होता था। कर्ड भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, और वेजिटेबल्स तो आप जानते ही हो कितनी अच्छी होती हैं। उसके बाद वो मैं खा लेती थी, एक सैंडविच से बनाती थी मैं, वेजिटेबल्स उसमें बहुत सारी डालती थी जिससे कि मुझे भूख ना लगे जल्दी। उसके बाद मुझे क्या रहता था, जब मेरे ब्रेकफास्ट को एक से दो घंटे हो जाते थे तो मैं हाफ या फिर फुल, अगर मुझे बहुत ज्यादा भूख होती थी तो मैं पूरा सेब खाती थी, मतलब एप्पल खाती थी, फुल एप्पल या फिर हाफ एप्पल डेली खाती थी मैं। उसके बाद मैं डेट्स भी लेती थी, उसके एप्पल के हाफ आवर्स बाद, मतलब आधा घंटे बाद मैं एक डेट्स खा लेती थी। फिर उसके बाद डेट, और मैं पानी बहुत ज्यादा पीती थी। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको 8 से 10 ग्लास पानी डेली पीना है, उससे स्किन ग्लो करेगी, स्कार्स खत्म हो जाएंगे, आपकी स्किन शाइन करने लगेगी और वेट लॉस में बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी होता है। उसके बाद मैं अपना लंच प्रिपेयर करती थी। लंच में मैं कभी ब्राउन राइस लेती थी मैं कुछ, अगर आप भी डाइट प्लान कर रहे हो तो आप मेरी तरह कर सकते हो, बट अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें पहले आपकी, जो मैंने यूज किया है कि आप भी वो यूज कर सकते हैं, जैसे चिया सीड्स मैंने लिए थे कि आप यूज कर भी सकते हो या नहीं, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ लें अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है तो। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मैं सैंडविच खा लेती थी, वेजिटेबल सैंडविच खाती थी मैं। और अगर आप चाहते हो मैं रेसिपी भी शेयर करूं कि मैंने क्या खाया था, कैसे मैं बनाती थी अपने लिए, क्योंकि मुझे बहुत चटपटा पसंद है, मैं सॉल्टी सॉल्टी नहीं खा सकती, उबला हुआ नहीं खा सकती मैं, तो मैं उसके साथ एक चटनी भी प्रिपेयर करती थी जो सैंडविच मेरे फ्रिज में हमेशा स्टोर करके रखती थी मैं, 2 से 3 दिन के लिए खट्टी बना के रखती थी, बार बार मैं नहीं बना सकती थी क्योंकि फैमिली के लिए भी मुझे खाना बनाना होता था, तो वो मैं चटनी प्रिपेयर करके रखती थी और सैंडविच के साथ खाती थी। उसके बाद मैं फ्रूट खाती थी, उसके 1 या 2 घंटे बाद एप्पल, सबसे ज्यादा मैं एप्पल खाती थी, एप्पल और डेट्स, और बहुत ज्यादा भर के नहीं खाना है फ्रूट्स को भी, क्योंकि हर चीज को क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं रखनी है, बस अपने इतनी की भूख नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब लंच टाइम होता था तो लंच टाइम में कभी तो मैं ओट्स की पराठे खाती थी, ओट्स के 2 पराठे खाती थी, छोटे छोटे बनाती थी, और जो वेजिटेबल्स जो भी होती थी मैं जो भी खाती थी, मैं आलू नहीं खाती थी, आलू मैंने खत्म कर दिए थे, आलू नहीं खाती थी। कभी कभी मैं क्या करती थी, लौकी की सब्जी बनाती थी, लौकी का रायता जो बहुत हेल्दी होता है, उसके साथ में चावल बनाती थी, ब्राउन राइस, अगर मुझे चावल खाने होते थे तो मैं ब्राउन राइस ही लेती थी, रोटी नहीं खाई थी उस टाइम पे, पूरे टाइम पे मैंने गेहूं की रोटी नहीं खाई थी। अगर आप खाना चाहते हो, गेहूं नहीं हटाना चाहते हो अपनी डाइट से आप, तो आप गेहूं की रोटी जहां आप 2 या 3 रोटी खाते हो ना, आप वहां पर 1 रोटी कर दो, और जहां आप 1 बोल भर के सब्जी खाते हो तो उसकी जगह आप डबल कर दो, सब्जी ज्यादा खाइए, रोटी कम कर दीजिए, उससे आपके वेट लॉस पे बहुत ज्यादा, आप खुद देखोगे कि आपका कितनी तेजी से वेट लॉस हो रहा है, और एक हेल्दी वेट लॉस के लिए 3 to 4 kg वेट बहुत होता है 1 महीने में। अगर आप 3 से 4 किलो वेट लॉस कर रहे हो तो वो काफी होता है, इससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो वो थोड़ा सा मतलब आपको कमजोरी ला सकता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा ये मत सोचो कि मुझे 10 किलो वजन 1 मंथ में कम करना है, तो आप इतना ज्यादा वेट लॉस का मत सोचो, धीरे धीरे होगा, वेट एकदम से बढ़ के एकदम से नहीं बढ़ जाता है, जिस तरह से खाने से और बैठे रहने से आपका वेट बढ़ा है उसी तरह से धीरे धीरे कम होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और थोड़ा सा कम खाना होगा। तो इस तरह से मैंने वेट लॉस किया था। उसके साथ साथ मुझे खुद को मोटिवेट करने के लिए मैं क्या करती थी, मैंने एक ड्रेस लिया था, बहुत प्यारा सा ड्रेस खरीदा था मैंने, और मैंने अपनी अलमारी में रख दिया था, जब भी मैं कपड़े निकाल दी थी वो मुझे दिख जाता था, तो वो ड्रेस मैंने अपने साइज से बहुत छोटा लिया था, और मुझे ये था कि मुझे ये पहनना है, ये ड्रेस जिस दिन मैं पहन लूंगी उस दिन मैं सोच लूंगी कि हाँ मैंने कर दिखाया, तो मैं खुद को मोटिवेट करती रहती थी। उसके साथ साथ मैंने एक मशीन ली थी, वेट मशीन, जिससे कि मैं अपना वेट डेली चेक कर सकूं। मैं मॉर्निंग में डेली उठते ही सबसे पहले अपना वेट चेक करती थी, उससे क्या होता था अगर मेरा 100 ग्राम भी वेट ज्यादा होगा ना तो मुझे लगेगा कि मैं कुछ ना कुछ गलत खा रही हूं, फिर उसके बाद मैं और ज्यादा मोटिवेट होती थी और मुझे सही खाना है, मुझे कम करना है अपना वेट, तो मुझे और जो मशीन मैंने यूज की थी वो
मैंने ऑनलाइन मंगाई थी वेट मशीन, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ फिर मैं लंच में क्या खाती थी। लंच में मैंने आपको बता दिया रायता, कोई भी सब्जी आप खा रहे हो कोई भी सब्जी, आलू मत खाना क्योंकि वेट बढ़ जाता है। आप कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, पालक खाइए, पनीर बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए जब आप वेट लॉस कर रहे होते हो। पनीर भी खाती थी मैं, एग योक नहीं खाती थी, जो व्हाइट पार्ट होता है एग का वो मैं उसको बॉइल करके खाती थी एग को, तो वो मैं इवनिंग में लेती थी। और मैं क्या करती थी, खाना दोपहर का जब मैं खाना खा लेती थी लंच करने के दो घंटे बाद मैं ग्रीन टी लेती थी। ग्रीन टी की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो मैंने यूज किया है, लिप्टन यूज करती थी मैं। उसके बाद 2 घंटे बाद मैं ग्रीन टी लेती थी। ग्रीन टी के साथ मैं 4 अखरोट और 3 से 4 बादाम और थोड़े से मखाने होते ना, तो उसको कोई मैं रोस्ट नहीं करती थी, उसको कुछ नहीं करती थी, ऐसे ही मखाना खाती थी। ये तीनों ड्राई फ्रूट्स मैं डेली लेती थी। डेली से क्या होता था कि मुझे जो मैं जहां मैं खाना कम खा रही हूँ ना, इसे खाने से मैं थोड़ी सी ऐसा फील करती थी कि मतलब लो फील नहीं करती थी, मुझे अच्छा लगता था। और मैं सारे बेनिफिट्स हर चीज के अगर आप चाहते हो मैं कैसे कैसे क्या क्या प्रिपेयर करती थी खाने के लिए, रेसिपीज अगर आपको चाहिए तो कॉमेंट जरूर करना। फिर उसके बाद मेरा ये हो जाता था 4 से 5 बजे के करीब मैं ये लेती थी ग्रीन टी। उसके बाद 7 से 8 बजे मुझे 8 बजे से पहले पहले खाना खाना होता था। उसमें मैं क्या करती थी, कभी मैं बेसन का चीला खाती थी, तो कभी मैं ओट्स का चीला खाती थी, कभी मैं ओट्स का पराठा खाती थी, बहुत सारी सब्जी खाती थी मैं, और ग्रीन सैलेड बनाती थी मैं। सैलेड की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत अमेजिंग है, आप चाहें तो मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। कॉमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से मैं वो सैलेड बनाती थी, बहुत हेल्पफुल था वो मेरे लिए। चटनी की रेसिपी बहुत ज्यादा जरूरी है बतानी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं अपनी जो मेरी मैं चटनी खाती थी ना, वो उससे क्या होता था, मैं बिल्कुल अगर रूखा सूखा भी खा रही हूँ ना और उस चटनी के साथ खाती थी तो मुझे फील नहीं होता था कि मैं कुछ ऐसा खा रही हूँ कि मतलब मुझे वॉमिट नहीं होती थी, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है कि मैं उबला हुआ नहीं खा सकती, मैं चटपटा खाती हूँ। चटपटे के साथ ही मैंने इतना सारा वेट लॉस किया और मेरा टेस्ट भी खराब नहीं हुआ। टेस्टी टेस्टी खाया, अच्छा खाया, बट कुछ भी ऐसा नहीं खाया जो मुझे वॉमिट हो या मेरा दिल घबराए या मुझे ऐसा लगे कि मैं कुछ खा नहीं रही हूँ। मैं सब कुछ खाती थी, अच्छा लगता था मुझे, वेट लॉस करने में भी मुझे मजा आ रहा था। उसके बाद क्या होता था, जब बिल्कुल रात हो जाती थी, जब मैं सोने जा रही होती थी, तो मैं क्या करती थी, मैं पपाया खाती थी। पपाया जो होता है उससे पेट भी ठीक रहता है और उसके साथ साथ ये स्किन पर ग्लो भी करता है, तो आपकी नेचुरली आप देखोगे कि पपाया आप जब डेली खाओगे, कोई भी फ्रूट, आपको चीकू नहीं खाना है, आपको ग्रेप्स नहीं खाना है, क्योंकि वो वेट लॉस करने में और ज्यादा आपका बढ़ा देंगे। मैंगो नहीं खाना है, मैंगो में बहुत सारी कैलोरीज होती है तो उससे भी वेट बढ़ जाता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं मैं खत्म करती हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं रेसिपीज और सारा ठीक से आपके साथ शेयर करूं कि किस तरह से मैंने डे बाई डे मैं आपके साथ शेयर करूं, कि मैं आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर करने वाली हूं, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं सारी वीडियो शेयर करूंगी। मैं आपको सारा बताऊंगी कि 1 वीक से लेके हर हफ्ते का मैं आपको पूरा शेड्यूल तैयार करके दूंगी कि किस तरह से आपको क्या खाना है। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरी रेसिपीज को फॉलो करें और अपना वेट लॉस करें तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, और इसी तरह से प्यार देते रहिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सच में क्या आप लोगों को फर्क पड़ता है मेरी रेसिपीज से या फिर मेरे मोटिवेट करने से। क्योंकि कुछ भी है ना, कुछ भी, वेट लॉस हो या मेकअप आर्टिस्ट बनना हो या फिर कुछ भी लाइफ में अगर आप कुछ भी बनना चाहते हो ना, तो शुरुआत करना बहुत जरूरी है। कल से नहीं, वो कल से नहीं होगी, वो आज से होगी। अगर आप आज से करोगे ना तब ही हो पाएगा। अगर आप अपना वेट लॉस करने का सोच रहे हो तो अगर आप ये सोचोगे मैं कल से स्टार्ट करूंगा तो वो कल से बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा और वो कल कभी नहीं आने वाला है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आज से करो, कल से नहीं करना है। इसी के साथ साथ मैं बाय बाय करती हूँ आप सभी लोगों को, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग मुझे कॉमेंट जरूर करेंगे। मैं सारा का सारा डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने वेट लॉस किया था।